अगले 6 महीने से लेकर 12 महीने तक महीने का 1 लाख रुपया कौन बनाना चाहता है? पक्का? तो कुछ छोटी छोटी बातें बताऊं आपको, जिससे आपका 6 से 12 महीने में 1 लाख रुपया प्लस कैसे बनेगा? यस, वेरी गुड। तो आप नोट डाउन कर लो, किसी के पास नोटबुक है वहां पर, नहीं तो मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों क्या चाहिए आपको? अगर महीने का 1 लाख बनाना है तो जो सोच है अभी उससे तो बनेगा नहीं, तो हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, ड्रीम बोर्ड, अपने घर पे ड्रीम बोर्ड बनाओ। ड्रीम बोर्ड बनाना क्यों जरूरी है दोस्तों? सपने सच होते हैं, लेकिन लिखे हुए सपने जरूर सच होते हैं, इसकी पक्की गारंटी है। सपना आप क्या लेते हो ये इतना जरूरी नहीं है, सपना आप कितना लंबा लेते हो ये ज्यादा जरूरी है। और अगर ड्रीम बोर्ड घर पे लगा दे, वहां पर सपने रोज लिखे हो, रोज सुबह शाम हमारा ध्यान पड़ेगा, समझ लगी आपको? तो क्या होगा, वो सारी स्टैंप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। तो दोस्तों मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग, जब रोज अपने सपनों की गाड़ी देखोगे ना, फीलिंग आती है अंदर, यार नहीं ये मैंने लेनी है। आईफोन एक्स का फोटो लगा दो, ये आईफोन एक्स मैंने लेना है। गाड़ी की फोटो लगा दो, घर की फोटो लगा दो, बैंक बैलेंस की फोटो लगा दो, अपने चेक की फोटो लगा दो, 1 लाख रुपया मैंने लेना है। जब रोज सुबह भी देखोगे, शाम भी देखोगे, रात को सोते भी देखोगे, सुबह जागते भी देखोगे, तो क्या होगा, धीरे 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 वो होना शुरू होता है दोस्तों, समझ लगी आपको? मैं हर 31 दिसंबर को अगले साल के ड्रीम लिख के लगाता हूं, और आज तक मैंने जितने भी सपने लगा दिए दोस्तों, वो सारे पूरे होते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो, कुछ पहले होते हैं, लेकिन होते हैं जरूर है पूरे। जो मैंने एक बार ठप्पा लगा दिया ड्रीम बोर्ड पे लिख के, वो ग्रंटेड है, वो मेरे घर वालों को भी यकीन होता है, ये तो हो ही रहेगा, चाहे आज हो या कल हो या परसों। अब होता क्या है, कई बार लोग डेट नहीं लगाते डरते हुए, यार मैंने डेट अगर लगा दी तो फिर अगर ना हुआ तो वो दो कुछ नहीं होता यार, क्या होगा नहीं होगा, तो एकदम इन्हें लेट हो जाएगा। और लगाओ तो सही दोस्तों, जब लगाएंगे नहीं डेट तो फिर तो पक्का नहीं होगा, फिर पक्का नहीं होगा। जब डेट लगा दी तो फिर होगा जरूर, चाहे 1-2 महीने लेट ही क्यों ना। अब मेरा पिछले महीने का चेक क्या था, 4.5 लाख रुपया मैंने लगाया था लिख के, मैंने 4,08,000 का लगाया था लेके, लेकिन जब आया 2-3 महीने लेट आया, लेकिन आया कितना, 4,47,801 रुपये आया था। तो आया सही, अब अगला चेक मैंने 10 लाख का लेके लगाया, और कोई बात नहीं 2-4 महीने लेट ही हो जाए, लेकिन यह बात पक्की है, यह मेरी टीम को भी पता है, भी अगर सर ने लेकर लगा दिया ये तो होके रहेगा। तो आप भी दो लेकर लगाया करो सपने, लिखे हुए सपने जरूर सच होते हैं, और डेयर टू डिक्लेयर योर ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ योर टीम्स। कुछ लोग अपने गोल नहीं डिक्लेयर करते दोस्तों, किया करो, चिल्ला चिल्ला कर अपने सपने बोला करो, मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है। आज मैंने बताया ना आपको अपने सपने, मेरा सपना है 1,000 गज का ड्रीम हाउस बनाना है, मेरा सपना है 1.25 करोड़ की रेंज रोवर लेनी है, मेरा सपना है 2018 दिसंबर तक 100 प्लैटिनम अपनी टीम में निकाल ले, 100 प्लैटिनम। बोला करो अपने गोल, बोला करो। अगला गोल क्या है, बोला करो। मैं आपको बताता हूं, जब मैं जीपीडी गया था तो स्टेट पे मैंने डिक्लेयर किया था, अगर किसी ने वो इवेंट देखा होगा 13 मार्च वाला 2016 वाला, मैंने लोगों के सामने बोला था कि मनीष चोपड़ा ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अगले महीने जीपीडी जाके दिखाएगा, जो मैंने सबके सामने बोला था। मेरी अपने इनको भी यकीन नहीं हुआ इसने क्या बोल दिया, लेकिन वो अगले महीने नहीं, मैंने उसी महीने कर दिया था जीपीडी पे। अगर मैं बोलता नहीं तो फिर करता भी नहीं, मैंने लिख कर लगाया था, बोला तो बोला करवा। फिर मैंने फॉर्च्यूनर का बोलना शुरू किया, 2016 में मेरी फॉर्च्यूनर आएगी, 2016 में फॉर्च्यूनर आएगी, हर मीटिंग में जाके मैं बोलता था। हुआ क्या, आ गई फॉर्च्यूनर। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, 1,000 गज का ड्रीम हाउस जिसमें स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, थिएटर भी होगा, ठीक है, मेडिटेशन रूम भी होगा। अब मैं हर जगह बोलना शुरू कर दिया, रेंज रोवर का बोलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, होके रहेगा, होके रहेगा, ये तो डन डील। तो ड्रीम्स लिखा करो, व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। मोदी कर करना क्यों है, ये ज्यादा जरूरी है, करना कैसे वो तो अपने भी होता है, तो उसकी कोई चिंता नहीं होती, समझ लगी?
करना क्यों है, ये 99% है, करना कैसे है, ये सिर्फ 1% ही है। एटीट्यूड आपका 99% था, स्किल को 1% है, वो तो सीख ही लेता बंदा। तो ड्रीम बोर्ड बनाएंगे, कौन कौन बनाएगा, पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, मैं तो बहुत बेसिक स्टेप बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। डेमो के दोस्तों, आप 1 घंटा लेक्चर दे दो और 5 मिनट में डेमो खत्म कर दो, यू कैन सेव योर 55 मिनट्स। सिंपल सी बात है, डेमो करने से बहुत फर्क पड़ता है। होता क्या है, जब हम बातों बातों में किसी को बताते हैं ना, तो एक बार तो ले लेता पड़ता, लेकिन उसका बिलीफ लेवल उतना बिल्ड नहीं हो पाता। लेकिन जब हम डेमो करके दिखाते हो ना और नीले से सफेद करते हो पानी, तो वो बंदों को कभी भूलता नहीं है। तो नीले से सफेद करना किसको आता है, स्टेरिक क्लीन का डेमो। डेमो किट बनाओ, खुद डेमो किट बनाओगे, लोग आपकी टीम में डेमो किट बनाएंगे, प्रोडक्ट की मूवमेंट बढ़ेगी, बीवी बढ़ेगा। ए प्लान विदाउट प्रोडक्ट डेमो इज नो प्लान, याद रखना मेरी बात, ए प्लान विदाउट प्रोडक्ट डेमो इज नो प्लान। तो उससे बड़े करना नहीं यार, अगर करना तो डेमो जरूर करो, डेमो से एकदम बंदे का माइंडसेट चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो डेमो किट बनाएंगे, यस पक्का, यस। थर्ड, मैजिक कॉर्नर। क्या बोला मैंने, मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर होता क्या है, अपने ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में मोदीगिरी का प्रोडक्ट डिस्प्ले करने, तो उसको हम बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। इससे मैजिक होता है, क्या मैजिक होता है, जब कोई घर पे आएगा तो क्या पूछेगा, भाई साहब जब भैजी ये क्या है, तो हमें तो पहले बहाना मिल गया उनको बताने का, उसने खुद ही पूछे भी ये क्या है, निकालो फिर नीचे से डेमो किट, कर दो नीले से सफेद, समझ लगी। तो क्या होगा, आपके कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं। दूसरा, थोड़ा स्टॉक होगा अवेलेबल आपके पास। मान लो पड़ोसी की पेस्ट खत्म होगी, फ्रेश मूवमेंट, वो सुबह सुबह आया, भाई साहब पेस्ट दे दो एक। अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या बोलोगे, भाई साहब ऑफिस से लाके दूंगा, ऑफिस उस दिन बंद है, क्या वो वेट करेगा। ब्रांड चेंज, लॉयल्टी चेंज, तो उससे थोड़ा स्टॉक रहता है। फिर क्या हुआ, जब मैजिक कॉर्नर घर पे रहता है दोस्तों, एक पॉजिटिव ऑरा बनता है घर पे। मान लो कि प्रोस्पेक्ट आ गया, उसको प्लान दिखा रहे हो, मैजिक कॉर्नर बना हुआ अच्छा सा, उसकी हिम्मत नहीं होगी मोदी घर के बारे में कोई नेगेटिव बात कर दे आपसे, उसको पता ये बहुत रिस्पेक्ट करता अपने बिजनेस की, तो एनर्जी पॉजिटिव मूव ऑन होती घर के अंदर। तो मैजिक कॉर्नर जरूर होना चाहिए, अपना मैजिक कॉर्नर बनाओ और अपनी टीम में मैजिक कॉर्नर बनवाओ और ग्रुप में फोटो डाला करो उसकी, समझ लगी। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार। मैं बड़ी बेसिक स्टेप आपको बता रहा हूं, मीटिंग्स जरूर अटेंड किया करो। आज जितने भी यहां पर लोग आए हैं, किस किस का बेनिफिट हुआ, अच्छा लगा आपको, थोड़ा विश्वास ऊपर गया। होता क्या दोस्तों, मोबाइल फोन जितना मर्जी कॉस्टली हो, अगर वो चार्ज नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम, जितना बढ़िया मर्जी कंसल्टेंट हो, अगर उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो ही इज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं उसका। क्योंकि लोग एक्साइटमेंट से आते हैं बिजनेस के अंदर, ढीले डाले जाओगे तो वो घर पे भेज देते हैं उल्टे आप, तो एक्साइटमेंट चाहिए, बैटरी चार्ज होती है। होता क्या, जब हम फील्ड में जाते हैं, कोई ना बोलता कोई हाँ बोलता, तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट डाउन होनी शुरू होती है। लेकिन मीटिंग में जब आता है बैटरी फिर चार्ज होती, तो बैटरी चार्ज करने के लिए मोबाइल मीटिंग में रहना चाहिए, जिससे हमारी आंखों में विश्वास रहता है। कोयला था ना, कोयला, कोयले को भट्टी में डाल दे तो वो हीट छोड़ता रहता है, और उसको टच करने की कोशिश करो तो हाथ जल जाएगा उसका। लेकिन अगर उसी कोयले को बाहर निकाल के रख दे तो कोयला ठंडा पड़ गया, कोई भी मसल सकता उसको। सेम दोस्तों, जब हम मीटिंग में आते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है, हम सीखते रहते हैं, ट्रेनिंगों में हम सीखते रहते हैं। अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लो, नॉलेज होगी तो किसी को बताएंगे। जब आपके अंदर नॉलेज होती है, प्रोडक्ट खुद यूज किया होता आपने, आपका कॉन्फिडेंस अलग होता दोस्तों। लोग मोदीगर को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं कि जो ये बंदा बोरा 50 रहेगा, लाख आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। सेमिनार, विश्वास और ऊपर चला जाता, क्योंकि बड़े डिसीजन बड़े फंक्शनों में लेते हैं। अब 10 दिसंबर आ रहा है, नारे लग रहे हैं ना, चक दो फट्टे नप दो किल्ली, 10 दिसंबर नू चलो दिल्ली, तो वहां पर 10,000 लोगों का इवेंट होने जा रहा है दोस्तों। पिछली बार देखा था किसी ने, यस, विश्वास ऊपर गया, यस, लोग मरने जीने की कसमें खा लेते हैं ऐसे फंक्शन देख, और वहां पर बहुत सारे सरप्राइज आपको मिलेंगे, बहुत सारी गुड न्यूज मिलेंगी। तो मैं तो कहता हूँ बसें भर के लेके जाओ यहां से, बसें, कोई है बंदा जो यहां पर बस भर के लेके जा रहा है, बस
वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। एक बात सुनाता हूँ, चलो आपसे सवाल पूछता हूँ। मान लो आपने यहां से अमेरिका जाना है, तो तीन जहाज है एयर इंडिया के, तो पहले पायलट के पास जाते हो, बोलते हो भाई साहब मैंने अमेरिका जाना, ले जाओगे? तो वो बोलता हाँ भाई ले तो जाएंगे, लेकिन पिछली बार जहाज की पूछ को आगे लग गई थी। तो आप जाओगे उसके साथ? कभी नहीं जाएंगे। अब दूसरे पायलट के पास जाते हो, जहाज सेम है, कंपनी भी सेम है, उससे बोलते हो भाई साहब मैंने अमेरिका जाना, ले जाओगे? बोलता हाँ यार ले तो जाएंगे, लेकिन पिछली बार बाल बाल बचे थे, बड़ा जेट लैग हो गया था, फ्लाइट भी लेट होगी, चलो बैठ जाओ आप। तब जाएंगे उसके साथ? नहीं। अब तीसरे के पास जाते हैं, भाई साहब मैंने अमेरिका जाना, तो वो क्या बोलता है? सरदार जी एक बार मेरे जहाज में बैठ जाओ और वादा करता हूं सारी जिंदगी जब भी अमेरिका जाओगे मेरे साथ ही जाया करोगे, यहां से बैठे वहां उतरे पता नहीं लग रहा कैसे चले जाओगे। अब क्या बोल, किसके साथ जाएंगे अमेरिका? थर्ड। अब कंपनी तो सेम थी, फर्क कहां था? पायलट में। सेम दो तो मोदी कर सबके लिए सेम है, ये जो हमारा डीओ है ना, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सबके लिए सेम है। कृपा क्या है? सेम बंदा एक के साथ ज्वाइन नहीं करता, दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करता, तीसरे के साथ जाके ज्वाइन कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीसरे बंदे की आंखें बोल रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है यार नहीं, अच्छा घर भी आएगा, अच्छी गाड़ियां भी आएगी, लाखों रुपए के चेक भी आएगा, सपने सच होंगे अगर उन्होंने इससे शुरू कर लिया। फर्क क्या होता है? वो बंदा रेगुलर मीडियो ट्रेनिंग सेमिनार में आता है, डेमोक्रेट बनेगा, ड्रीम बोर्ड बना, मैजिक रो बना, रोज एक्शन करता है, डेली एक्शन करता है, हर रोज प्लान करता है, हर रोज डेमो करता। मैं तो एक बार बोलूंगा लव टू मीट न्यू पर्सन एवरी डे, लव टू विजिट न्यू होम एवरी डे, याद रखना मेरी बात, लव टू मीट न्यू पर्सन एवरी डे, लव टू विजिट न्यू होम एवरी डे एंड शो प्लान एंड डेमो, दैट्स इट। किसने करना है किसने नहीं करना छोड़ो यार, उसको वो भगवान के ऊपर है, हम अपना तो कर्म करें। हमारा फर्ज क्या है? शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, सभी बोलो शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, ये करना है हमने। सो हर लोग नए लोगों से मिलना होता है, हर लोग नए घरों में जाना होता है, बस जो डिस्ट्रीब्यूटर रोज एक नए बंदे को प्लान डेमो करेगा, रोज एक नए घर में जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है महीने का उसका 10 लाख का चेक रोक सके आने के लिए, पक्का वो जीबीडी पक्का जाएगा और 10 लाख का चेक भी आएगा। समझ लग गया आपको? यस। आगे चले, फिर तुमने क्या करना होता है? लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या करना होता है? लॉयल्टी प्रोग्राम को हमने प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है 6 महीने सामान लेंगे 7 महीने फ्री मिलेगा 2500 से 5000 तक, तो 2-3 महीने जोर लगता है आपका, बाद में तो लोग ऑटो मोड पे आ जाते हैं। अब मान लो पहले महीने आपने प्लान किया डेमो किया, उसने लॉयल्टी प्रोग्राम ले लिया, क्या अगले महीने प्लान डेमो करना पड़ेगा? नो। एफर्ट कितना कम हो गया? हेलो यस। 50% हो गया कम। तीसरे महीने एफर्ट और कम हो जाएगा, और चौथे महीने और कम हो जाएगा, पांचवें महीने फोन ना भी करो वो फिर भी आएगा। पता कि उसको पता मैंने 3 महीने ले लिया, 3 महीने रह गया, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। डीपी वालों का फोन आते हैं, भाई साहब मेरा लॉयल्टी प्रोग्राम रह गया, मेरा लॉयल्टी प्रोग्राम रह गया। तो क्या जब लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं था ऐसे फोन आते थे? नो। अब क्या फोन आते हैं? मेरा लॉयल्टी रह गया, मेरा लॉयल्टी रह गया। पहले क्या था लॉयल्टी प्रोग्राम से? पहले डीपी वाले लोगों को फोन करते थे कस्टमर को, भाई साहब ऑर्डर डालो ऑर्डर। आजकल उल्टा हो गया, जो लॉयल्टी में है वो खुद फोन करता डीपी वालों को, भाई साहब मेरा लॉयल्टी ना छूट जाए, मेरा लॉयल्टी ना छूट जाए। तो दिस इज द पावर ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम फ्रॉम मोदी करते। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कंपनी के लिए। सेवा क्या है? टीम 21 बनाइए। ये क्या है टीम 21? कोई भी नया बंदा आपके जुड़ता है उसको एक ही टारगेट हो सबसे पहले, भैया 21 लोगों की टीम बना जो लॉयल्टी प्रोग्राम में हो। यस। फायदा क्या है? पहले महीने टीम बनाई 31,500, दूसरे महीने फिर 31,500, बीवी हो गया 63,000, तीसरे महीने 94,500 16%, चौथे महीने 1,24,000 26 क्या हुआ 19%। यस। पांचवें महीने मान लो शादी पे चले गए, टाइम नहीं लगा उसको फोन करने का सबको, तो जिसके 4 महीने हो गए का 5 महीने वेट करेगा? नो। आप शादी देख के तो पता चलेगा आप ऐसे डायरेक्टर बन गए आप, बिकॉज ऑफ टीम 21। और पीजी भी बढ़ेगा सबका, सबने टीम 21 बनी है डायरेक्टर लगों को छोड़कर,
ज्यादा चेक किससे आता है? पीजीबीपी से। तो जितने भी आपके एससीडी हैं, ईडी हैं, प्लैटिनम है, प्रेजिडेंशियल है, क्राउन है, आरबीडी, जीबीडी, अगर सब लोग अपनी टीम 21 बनाए तो क्या होगा? कितना पीजीबीपी बढ़ जाएगा, मोटे मोटे चेक करेंगे। तो टीम 21 का कल्चर डेवलप करना है। और सातवां क्या है? फास्ट सीनियर कंसल्टेंट, इसको प्रमोट किया करो टीम के अंदर। ये क्या है दोस्तों? यही तो है फ्रेश ब्लड। इन्होंने जीबीडी जाना, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट मतलब सीनियर कंसल्टेंट, सीरियस हो गया कंसल्टेंट। जो बंदा एक महीने में 6000 बीबी करता है पर्सनल और चाहे टीम की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। 7% होता है 6000 रुपए, लेकिन उसको 10% का प्रॉफिट मिलता है। साथ में 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक साल के लिए फ्री मिलता है। कंपनी की तरफ से वो रिकॉग्निशन भी होती है, हमारी अपनी टीमों की तरफ, लीडर्स की तरफ से भी आपको रिकॉग्निशन होती है, अलग मान सम्मान मिलता है। तो इसको प्रमोट करो आप। ठीक है दोस्तों, समझ लगी? Yes. यही काम करने है, और कोई दोस्तों लंबी जोड़ी साइंस नहीं है। ड्रीम बोर्ड बनाओ, डेमो किट बनाओ, ठीक है, और मैजिक कॉर्नर बनाओ, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, लॉयल्टी प्रोग्राम, टीम 21, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट, और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होम मीटिंग। लास्ट होम मीटिंग का कल्चर डेवलप करो टीमों के अंदर। वाई होम मीटिंग? देखो एक होता वन टू वन प्लान, एक होता यहां पर लोगों को लाकर बिठा दिया, लेकिन होम मीटिंग में क्या होता है, आप किसी के घर पे बैठे हो, पर्सनल टच आता है, डेमो करते हो, प्लान करते हो, क्वेश्चन आंसर वो क्लियर होता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, वो होम मीटिंग्स कर करके ही दोस्तों उन्होंने बड़े बिजनेस बिल्ड किए हैं। होम मीटिंग आर द बैकबोन ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। होम मीटिंग किया करो, जो बढ़िया होम मीटिंग करता है आपकी टीम में उसको रिकॉग्नाइज किया करो, एक मेडल डाल दिया करो गले के अंदर। मैं तो चाहता हूं यहां पर भी आप क्या किया, हर महीने जो पूरी अंबाला टीम में जो बढ़िया होम मीटिंग करते हैं उनको रिकॉग्निशन किया करो, उनको सम्मानित किया करो आप, ताकि ये कल्चर डेवलप होगा। जो लोग ड्रीम बोर्ड बनाते हैं बढ़िया, उनको रिकॉग्नाइज किया करो, जहां पर बुला के ताड़ियां मरवाया करो। जो डेमो किट बनाते हैं, जो मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, फोटो डाला करो ग्रुप के अंदर, माहौल बनेगा, मोमेंटम बनेगा। मैजिक कॉर्नर बना लिया, फोटो डाली ना ग्रुप के अंदर, किसको पता आपने मैजिक कॉर्नर बना लिया? आपने मैजिक कॉर्नर बनाया, ग्रुप के अंदर डालो, सारी टीम देखेगी। Yes. सर ने यार मेरे अपलाइन ने डेमो मैजिक कॉर्नर बना लिया, मैं भी बनाऊ। वो क्रॉस लाइन ने बना लिया, मैं भी बनाऊ। डेमो किट की फोटो डाला करो, ड्रीम बोर्ड की फोटो डाला करो, कहीं भी मीटिंग करने जाते हो, होम मीटिंग करने जाते हो, उसकी फोटो डाला करो उसके अंदर। लोगों को पता चलेगा मेरी अपलाइन फील्ड के अंदर है, वो भी फील्ड में आएंगे फिर। समझ लगी? अब सर्दी का मौसम आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग रजाइयों में बड़े रहे। लोगों को फील्ड में निकालना है, तो फील्ड में तब निकलेंगे जब आप फील्ड में निकलोगे। डालो आठ बजे अपनी फोटो, क्यों लोग भी आपके साथ ही निकलेंगे फील्ड के अंदर। समझ लगी? देन लॉयल्टी प्रोग्राम को प्रमोट करना है, टीम 21 को करना है प्रमोट, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट एंड अबव ऑल होम मीटिंग। ठीक है, ये दोस्तों अगर आप काम करते रहोगे तो मैं वादा करता हूं 3 साल लगेंगे, 3 साल के अंदर आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।